फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सो गाइस, अभी हम लेटेस्ट जो एम्स में पेपर होने वाला है जिन भी कैंडिडेट का, एम्स ऋषिकेश में जो 23 जनवरी को है, फिर उसके बाद 7 फरवरी को है भोपाल, जोधपुर, पटना और रायपुर एम्स के लिए, और उसके साथ ही जो CHO के पेपर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, चाहे वो UP का हो, राजस्थान के लिए हो, MP, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट के लिए, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का ये फर्स्ट पार्ट है। सीरीज आज से ही स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। डेली आपको ऐसे 2 या 3 टेस्ट सीरीज़ पब्लिश करूँगी, ताकि जिन भी कैंडिडेट का आगे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में उनकी बहुत ही अच्छे से हेल्प हो सके। और एक चीज़ और, ये जो भी क्वेश्चन मैं इस टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड कराऊँगी, ये प्रीवियसली रिपीटेड एग्ज़ाम के क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आपको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए एग्ज़ाम में। यदि आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट मेल इज़, तो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम कितनी होती है ब्लड की नॉर्मल एडल्ट मेल में? 10 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, डी 8 लीटर। तो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम होती है ब्लड की नॉर्मल एडल्ट मेल में होती है 5 लीटर। याद रखिए, आपकी एडल्ट मेल में, नॉर्मल एडल्ट मेल में जो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम होती है ब्लड की, कितना पाया जाता है? 5 लीटर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, इनमें से कौन सा है जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? ब्रेस्ट बायोप्सी, IV पाइलोरोग्राफी, सी ब्रेस्ट इमेजिंग, डी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट इमेजिंग को माइलोमोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है IV पाइलोरोग्राफी, ये किसी भी टाइप से स्क्रीनिंग नहीं की जाती है ब्रेस्ट कैंसर में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी, इंट्रावीनस पाइलोरोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ड्यू टू डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप ऑफ रिएक्शन, तो चौथे टाइप की, टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? ये जानी जाती है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के नाम से। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सी है जो चौथे टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण होती है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं इसको, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एनाफेलेक्सिस, सीरम सिकनेस या फिर डी अटोपी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ए, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट इज, एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड नॉर्मली डेवलप सोशल स्माइल माइलस्टोन, तो किस एज में बच्चे हैं जो किसी भी दूसरे लोग को या फिर सोशली किसी को भी देख के स्माइल करने लगते हैं? तो ये सोशल स्माइल माइलस्टोन है जो बच्चे कब अचीव करते हैं, किस एज में अचीव करते हैं? 4 वीक मीन्स 1 मंथ, 8 वीक्स दैट मीन्स 2 मंथ, 4 मंथ या फिर डी 12 वीक्स। तो सोशल स्माइल का जो माइलस्टोन है वो चाइल्ड हैं कब अचीव करते हैं? करते हैं 2 मंथ में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी 8 वीक्स। नेक्स्ट इज, हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट फंगस पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयड स्टेफाइलोकोकाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किसने खोज की थी किसकी? पेनिसिलिन की। और ये भी कह सकते हैं कि जो फंगस पेनिसिलियम के एक जो प्रोड्यूस होता है जिसके कारण स्टेफाइलोकोकाई हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। करेक्ट आंसर इज ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट इज, प्लेसेंटा सीक्रेट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट, प्लेसेंटा सभी हार्मोन्स को सीक्रेट करता है बट किसी एक को छोड़कर, प्रोजेस्ट्रॉन, HCG हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर डी एस्ट्रोजन। प्लेसेंटा है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट नहीं करता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। ये देखिए यहाँ पर, प्लेसेंटा इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा को एक एंडोक्राइन ग्लैंड माना गया है, कब? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पर ही, क्योंकि ये प्रेजेंट रहता है। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन दैट मीन्स HCG, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जिसको ल्यूट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट,
तो एक नर्स है जो आयरन इंजेक्शन एक एडल्ट को कैसे एडमिनिस्टर करेगी, कैसे लगाएगी? सबक्यूटेनियस रूट इन आर्म, इंट्राडर्मल इन द फोर आर्म, जेट ट्रैक, इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल और डी इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड। तो जो आयरन के इंजेक्शन है हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दिए जाते हैं। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया कि आयरन इंजेक्शन है जो हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दिए जाते हैं, और इसमें जो इंट्रामस्कुलर रूट के लिए बेस्ट टेक्निक मानी गई वो कौन सी, वो जेट ट्रैक टेक्निक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल रीजन। नेक्स्ट इज इंक्रीज यूट्राइन ब्लड फ्लो अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स और लॉस ऑफ मोर देन 80 ml ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर नॉर्मल जो मेनोरिया की कंडीशन होती है, नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं नॉर्मल रेगुलर इंटरवल में, बट उसका जो फ्लो है ब्लड का, जो नॉर्मल मेनोरिया की कंडीशन में कितना, मेंस्ट्रुएशन में कितना ब्लड फ्लो होता है, 50 ml, 50 ml। यदि ये मोर देन 80 आ जाए या फिर मोर देन 50 रहे तो ये कंडीशन एबनॉर्मल ही होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ मोर देन 80 ml, 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है यूट्राइन ब्लड फ्लो के टाइम पर, पीरियड्स के टाइम पर, बट इंटरवल रेगुलर है तो ये क्या कहलाएगा, मेट्रोरेजिया, क्रिप्टोमेनोरिया, एपीमेनोरिया, एफ डी हाइपरमेनोरिया। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरमेनोरिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अमाउंट बताया है 80 ml से ज़्यादा लॉस हो रहा है ब्लड लॉस, और जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, 50 ml, बट 80 ml यहाँ पे अमाउंट बताया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी हाइपरमेनोरिया। नेक्स्ट इज नी जॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स। तो नी जॉइंट है जो किसका एग्जाम्पल है, सैडल जॉइंट, पाइवट जॉइंट, वॉल एंड सैकेट सॉकेट जॉइंट, डी हिंज जॉइंट। नी जॉइंट है हिंज जॉइंट का ही एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड एट 12 month इज। तो एक्सपेक्टेड हाइट कितनी होगी नॉर्मल चाइल्ड जो 12 महीने का है, 1 year old है, तो जो नॉर्मल हाइट होती है एट द बर्थ कितनी होती है, होती 50 cm। तो 1 year और 12 month में कितनी होगी, 75 cm। यदि एट द बर्थ हाइट पूछी जाए तो बच्चे की हाइट कितनी होती है, 50 cm। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन। इनमें से कौन सी है जो मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन नहीं है, तो वो है एजिटेटेड डिप्रेशन। एजिटेटेड डिप्रेशन क्या है, मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू अ पेशेंट विथ एन एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन ओपन फ्रैक्चर। तो एक पेशेंट जिसको ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन है और वहाँ से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसको इमीडिएटली और तुरंत कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मैं ऑप्शन नहीं बताऊँगी क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। फर्स्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है जब ब्लीडिंग हो रही है, जिस पॉइंट पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे प्रेस करना, प्रेशर लगाना ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके। तो यहाँ पर भी ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है, तो प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करना है ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड थ्रो ऑर्डर एविडेंसेस अबाउट पेशेंट केयर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कहाँ से, नर्सिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं और जो ऑर्डर उसने दिए हैं उनके एविडेंस बेस्ड पर पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, वो क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं नर्सिंग ऑडिट। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉल्स लेबर पेन। इनमें से कौन सा है जो फॉल्स लेबर पेन का एग्जाम्पल नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर ए ट्रू लेबर पेन का एग्जाम्पल माना जाए, ट्रू लेबर पेन का पॉइंट है क्योंकि उसी में वाटर बैग का फॉर्मेशन होता है, बाकी जो थ्री पॉइंट है बी सी और डी, नो इफेक्ट ऑन डायलिट्रेशन ऑफ द सर्विक्स, कंटिन्यूस एंड अनरिलेटेड विथ हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस और रिलीव्ड बाय एनीमा। तो ये तीनों कंडीशन क्या हैं, फॉल्स लेबर पेन के फीचर हैं, सिम्टम है, बट फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर ए ट्रू लेबर पेन का फीचर है, साइन है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम सजेस्ट दैट द चाइल्ड हैज सीवियर डिहाइड्रेशन। इनमें से कौन सा सिम्टम सजेस्ट करेगा कि जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, रेस्टलेस, इरिटेबल, लिथार्जिक और अनकॉन्सियस, डी हु ड्रिंक्स वाटर ईगरली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, लिथार्जिक और अनकॉन्सियस, क्योंकि यहाँ पर सीवियर डिहाइड्रेशन पूछा है, सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम पूछा है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में बच्चा लेथार्जिक रहेगा और अनकॉन्सियस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज
नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैड हिप रिप्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। एक पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, तो एज अ नर्स आप उसकी केयर कर रही हैं, तो उनमें से कौन से पॉइंट को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? कंप्लेन ऑफ पेन फॉलोइंग अ फिजिकल थेरेपी, कंप्लेन ऑफ पेन ड्यूरिंग रिपोजिंग, टेम्परेचर ऑफ 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्केंट ब्लडी डिस्चार्ज ऑन द सर्जिकल ड्रेसिंग। तो इनमें से आप जो पॉइंट नंबर सी है, टेम्परेचर ऑफ 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि यदि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और उस पेशेंट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो रहा है, दैट मीन्स उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इसी पॉइंट को क्लियर करेंगे कि इन्फेक्शन हुआ है उस पेशेंट को, जिस कारण से उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हाई हो रहा है, तो यही एक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस मानी जाएगी उस हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट की। यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न। हेल्दी न्यूबॉर्न की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी? 20 मिनट 20 पर मिनट, 22 पर मिनट, 35 ब्रीथ पर मिनट, या फिर डी 16 ब्रीथ पर मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 35 ब्रीथ पर मिनट है जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होगी हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की। नेक्स्ट इज, मेलेना सजेस्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो मेलेना है जो किसके कारण हो सकता है? हेड इंजरी के कारण, इंजरी टू द लोअर बाउल, इंजरी टू द अपर बाउल, या फिर डी मिसकैरेज। तो जो मेलेना की कंडीशन कब होती है? जब डार्क ब्लड कलर का, सॉरी, डार्क ब्लैक स्टूल देखने को मिलता है। वही क्यों देखने को मिलता है? जब इंजरी टू द अपर बाउल, अपर बाउल में है, जो जीआई अपर बाउल में ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर किसी भी कारण से वहाँ पर कुछ भी कंडीशन ऐसी हो ताकि वहाँ ब्लीडिंग हो, उसी कंडीशन में यहाँ पर मेलेना देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हाइपर एपनिया। नेक्स्ट इज, न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट बैक्टीरिया और कॉल्ड। तो न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट बैक्टीरिया कौन से? वो हेटरोट्रोप्स। तो गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।